हेलो मैं पिक्सल स्कॉट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो लोग मुझे नहीं जानते या जो ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं, हे गाइस दिस इज मी विप्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ें दैट आई रियली कांट लिव विदाउट, उन चीज़ों के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ और इन्हें अपन सितंबर और अक्टूबर मंथली फेवरेट्स का टाइटल भी दे सकते हैं, क्योंकि पास्ट फ्यू मंथ से मैंने इन्हें इतना रगड़ा, इतना यूज़ किया ना दैट आई कांट इवन टेल यू। और ये मेरी अल्टीमेट फेवरेट चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो आई टेल यू एवरीथिंग और मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँगी अपनी चीज़ों के साथ। तो होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। दिस वीडियो विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। यस, मैं बात कर रही हूँ स्किन केयर कैटेगरी की। ये कैटेगरी सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैं क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और किन चीज़ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ मेरे लिए हैं, मतलब ये रिकमेंडेशन काइंड ऑफ भी हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो। और अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप भी उन चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाओ। और सब कुछ बहुत बजट फ्रेंडली है क्योंकि अभी मुझे YouTube से कोई इनकम नहीं होती है, तो मैं ऐसे कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ। मैं जेन्युइनली वो प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करते हैं और जो अंडर बजट होते हैं डेफिनेटली। तो या मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले मेरी सनस्क्रीन। ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है, तो ये मैंने एकदम ही खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ओके। और मैंने मंगाया है एक नया पैकेट, तो ये है फ्रॉम द फिक्स डर्मा ब्रांड से। और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। थोड़ा सा ना रोशनी ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, रिंग लाइट की रोशनी ज़्यादा है, जैसे देखने ना। ये है फिक्स डर्मा की शेडो SPF 30+ जेल। इसमें SPF 50 भी आता है लेकिन वो थोड़ा 500 से ऊपर का हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लेती। और वैसे भी मेरा सन एक्सपोजर इतना है नहीं, तो SPF 30 वर्क फॉर मी। ये जेल है, UVA UVB है, इसमें PA+++, 75 ग्राम है ये। और ये आपको आई थिंक 200-250 में मिल जाएगा। पी जितना लिया था और मैंने इसको लगा दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाटरी फॉर्मूला है, एकदम ही नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है और वाइट कास्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब ये बेस्ट है फॉर एक्ने, पिम्पल प्रोन, सेंसिटिव स्किन के लिए। एकदम ही स्किन में ना अब्जॉर्ब हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन अप्लाई करी है। और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि इसकी स्टिक भी आने लगी है, सनस्क्रीन स्टिक, और वो सेम कॉस्ट में आती है, ठीक है। तो वो भी 250-300 की आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहे थे तो मेरे रिकमेंडेशन पे ये ट्राई करना। नो मैटर विच टाइप ऑफ स्किन यू हैव, ये सब पे सूट करता है और बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो यस, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी अल्टीमेट फेवरेट सीताफल की क्रीम। ये आप देख सकते हैं कितना ख़त्म हो गई है, ओके। सो मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इज़ चेंजिंग नाउ, और मैं शिफ्ट हो रही हूँ अब इस पर। अदरवाइज़ मैं यूज़ करती थी दिस वेरी नाइस क्रीम फ्रॉम मिनिमलिस्ट। ये है मिनिमलिस्ट का विटामिन B5 10+ मॉइस्चराइज़र, ओके। तो इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी क्रीम है। अगेन नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन के लिए है ये। 24 आवर्स हाइड्रेशन। अभी ऐसा मौसम हो गया है ना कि सूखा लगता है, तो ये स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है। गेल डर्मा की है ये थोड़ी महंगी, आई थिंक 450 रुपये की आती है। सो यस, और ये है मिनिमलिस्ट की। इसका भी आप देखोगे ना एकदम ही जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ओके। जिनकी भी एक्ने, पिंपल प्रोन, सेंसिटिव स्किन होना, उनको जेल बेस्ड फार्मूला ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी वाटरी रहता है। और फ्यू देखो जैसे उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। इतनी अच्छी क्रीम है ना ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। वंस यू यूज़ इट ना, तभी आपको इसका मैजिक का पता चलेगा। और ये 250-300 की रेंज में आ जाती है, तो या मैं लिंक दे दूँगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट चीज़ जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ और क्योंकि विंटर सीजन इज़ ऑन इट्स वे, तो वो है, आप समझ ही गए होंगे, टेरा दिस क्रीम, ओके। बोरोलिन, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बोलते हैं ना बहुत ही एवरीडे वाली क्रीम है ये, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। आयुर्वेदिक क्रीम है और मैंने अभी नई ये ली है। मैं लिप्स पे इसे लगाती हूँ और अंडर आई पे इसे लगाती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा फटती है मेरी। और माई लाइफ इज़ सॉर्टेड, काफ़ी अच्छी क्रीम है। इस पर लिखा भी हुआ है अप्लाई एवरी नाइट ऑन ड्राई स्किन, लिप्स, फेस, हैंड्स, एल्बो, फीट। सो या, और ये शायद 80 रुपये की है इतनी सारी क्रीम। सो काफ़ी अच्छी है, सो टू चेक दिस आउट, ओके, सो दो चीज़ें और हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सो आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस ज़ूडियो वाइल्ड फॉर हर डियो। ओके, मुझे नहीं पता क्यों पर आई लव इट्स फ्रेगरेंस, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही अच्छी है। सिर्फ 99 रुपीज़ का आता है ये। अगर आपकी सिटी में ज़ूडियो है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करना, मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी है, बहुत ज़्यादा जूस फ्रूटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्टीवियर नहीं है, बहुत धीमी नहीं है, बहुत तेज़ नहीं है, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है ये। इसमें सब कुछ का अच्छा सा मिक्सचर है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यार आप ये ऐसे ना याद रख लो, ऐसे ग्रीन कलर की है और वाइल्ड फॉर हर लिखा हुआ है इस पर। सिर्फ 100 रुपीज़ की है, पर आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस डियो राइट नाउ। मैं इसको, मतलब ये ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, इतनी सी बची होगी। मैं दोबारा ज़ूडियो जाने वाली हूँ, जब भी मेरा मार्केट जाना होगा ना मैं डेफिनेटली इसे लाने वाली हूँ। ओके, और स्किन केयर रेंज में एक लास्ट चीज़ मेरे पास बची आपको दिखाने को, वो है निविया फ्रेश एक्टिव मेन। या मैं ये मेन वाले से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। इसको लगा के ना इतना ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन मिलते हैं ना, लाइक आई कैन अप्लाई इट राइट नाउ। आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये और इट स्मेल्स अमेजिंग, बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप हवाई चले गए हैं, बीच पर चले गए हैं, या आप डाइविंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग। इतना ज़्यादा, मतलब ओशनिक फीलिंग आएगी आपको, बहुत अच्छी है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस, ओशियन एक्सट्रैक्ट, देखो ओशियन, या मैंने पढ़ा भी नहीं था ये, पर इसमें है ओशियन एक्सट्रैक्ट, 0% अल्कोहल, तो अच्छा रहता है। क्योंकि मैं रेजर करती हूँ तो आई अप्लाई दिस ओनली, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है। ओके दोस्तों, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेकअप कैटेगरी। तो मेकअप में मैं अभी ऑब्सेस्ड हूँ। आपको पता है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, कि आई हैव बीन यूजिंग द फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट, ठीक है, वो उसमें SPF 20 आता है, वो बहुत ही अच्छा है, पर वो तो 0.5% लाइट है मेरी स्किन के लिए। पर मैंने ना दिस टाइम बाय किया ये मेबलिन का, या न्यूयॉर्क फिटमी वाला ये कॉम्पैक्ट, 250 रुपये का है ये, ठीक है। इसमें आई थिंक SPF है, SPF 32 है इसमें। ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, पर आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। मतलब इससे मैं आपको, है ना, मेरा 2 मिनट्स मेकअप लुक करके दिखा सकती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं इसे बस अप्लाई कर लेती हूँ एंड इट मैटिफाई माई स्किन। और लुक एट दिस, अभी इसने ऐसे जान सी डाल दी है स्किन में, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा शेड इसमें 128 वार्म न्यूडी है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, मतलब इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये मेरे पर्स में आपको हमेशा मिलेगा, पता नहीं कोई इतना अप्लाई करता है या नहीं एवरीडे में, लेकिन मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ तो लेकिन मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ 2-3 घंटे के लिए, मैं इसे अप्लाई करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। और 250 रुपये में काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं तो बावली हो गई हूँ इसके पीछे, इतना अच्छा लगता है मुझे। लास्टली मेकअप कैटेगरी में मेरे पास 2 चीज़ें और आपको दिखाने के लिए, वो है ये दिस माइग्रेन की लिपस्टिक। आई थिंक इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, पता नहीं वो इस वीडियो से पहले जाएगा या बाद में, पर आप देख लेना, काफ़ी अच्छी है ये। लुक एट दिस, इसका ना थोड़ा ऑरेंजी ब्राउनिश सा टोन है और बहुत ही अच्छी, मैट भी नहीं बोलूँगी इसे और ये ग्लॉसी भी नहीं है, वो बीच वाली कैटेगरी है इन दो कॉम्बिनेशंस की, बहुत ही अच्छी है और लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती है। ये 500 की है, यस। इसका नाम है लव ट्रायंगल। अगर आप उन लोगों में से जिनको ब्राउन न्यूड शेड पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, अगर आपका बजट 500 है तो, ठीक है। बहुत ही अच्छी है, माई ग्लैम की मैंने पहली बार लिपस्टिक ट्राई करी है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। द पैकेजिंग, द कलर, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो गुड और एवरीडे वियर है, मतलब परफेक्ट लिपस्टिक है फॉर इंडियन स्किन टोन, फ्रॉम लाइट टू मीडियम। डार्क भी लगा सकते हैं पर फिर उनका लिप कलर थोड़ा डार्क हो जाता है तो वो दिखेगी नहीं, पर या बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट अप आई हैव दिस मेबलिन का सेंसेशनल लिक्विड मैट। ओके, सो दिस वन तो मैंने अप्लाई कर रखी है अभी राइट नाउ, बहुत ही अच्छी, और ये 350 की रेंज में है। मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है, मतलब इन दोनों को लगा के मैं अभी ऐसे निकल जाती हूँ ना बिना मेकअप की। ये अभी सेम लग रही है, पता नहीं क्यों, पर काफ़ी अलग कलर है इनका। मैंने आज लाइट ना उसमें रिंग लाइट में येलो वाली कर रखी है, तो इसलिए शायद, क्योंकि उसमें मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा था वैसे वाइट वाली लाइट में इनका एक्चुअल कलर दिखेगा और शॉर्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा कैसा क्या सीन है, पर आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज 2 कलर्स। सो नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग टू शो यू इन द क्लोथ्स कैटेगरी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी पास्ट फ्यू मंथ से मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं और दे आर इन ट्रेंड, लाइक पता नहीं, मतलब ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। और या मैंने अभी मंगाई थी रिसेंटली पहले मिंत्रा से, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उसको बहुत पहना है अभी, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेयर इट इज़। ओके, कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। सो इट इज़ अ कार्गो काइंड ऑफ अ जीन्स और ये ग्रे कलर में है और इसका फ्लेयर्ड पैटर्न है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छी है। सबसे अच्छी बात इसमें इलास्टिक आई है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है मिंत्रा की किसी जीन्स में इलास्टिक आई है, पर ये काफ़ी अच्छा उनका क्या बोलते हैं इनिशिएटिव है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अब वही कार्गो वाला फील है। और आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट्स ऐसी निकली वाली हैं, तो ये मतलब एकदम ही कार्गो, रियल कार्गो लगता है। डेनिम कपड़ा है। आप देख सकते हैं फ्लेयर्ड पैटर्न है इसका। 6 पॉकेट्स है इसमें, आगे 4 पीछे 2, और बहुत ही अच्छा चारकोल ग्रेश ब्लैक सा कलर है, मतलब चारकोल ब्लैक इसे बोल सकते हैं। बॉम लगती है ये जीन्स, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे बहुत पहना है। और आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस लाइक हेल। मैं बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करती हूँ और मैं अभी आने वाले टाइम में भी इसे बहुत पहनने वाली हूँ। ओके गाइज, तो नेक्स्ट अप आई हैव टी शर्ट टू शो यू। ये भी मैंने अभी मिंत्रा से मंगाई थी। और मतलब लाइफ में क्या ही चाहिए यार, बस एक ओवरसाइज टी शर्ट मिल जाए, लूज चीज़ मिल जाए एंड यू आर गुड टू। हियर इट इज़। काफ़ी अच्छी ओवरसाइज टी शर्ट है। और ये तो मैंने रिसेंटली मंगाई है, पर मेरे पास ऐसी ओवरसाइज टी शर्ट और भी हैं और मुझे बहुत पसंद है वो पहनना। और ओवरसाइज चीज़ से तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं, पूरी दुनिया इस टाइम ऑब्सेस्ड है। ये नई थी तो मैंने आपको ये दिखा दी। सिर्फ 250 रुपये में हमें मिली है। काफ़ी अच्छी है। कुक एंड मी की है आई थिंक ये, या और इसमें हमारा साइज़ है M। कॉटन का कपड़ा है इसका, मतलब वो जो टी शर्ट वाला कॉटन होता है ना वो। तो ये अच्छी है। सो यस, मैंने लास्ट वीडियो में देखा था मेरे पास वो ब्राउन वाला कार्गो है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहना है। और उसी टॉपर के साथ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दी थी। पता नहीं, मेरे पास कोई नई चीज़ आती है ना तो मैं उसको बहुत पहनती हूँ, पर ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभार मैं फैंसी ले लेती हूँ, पर मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मैंने उसे बहुत पहना है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और चीज़ है, पर वो नई नहीं है, लेकिन मैंने उसको पास्ट फ्यू मंथ्स में इतना पहन लिया है ना, और मैं इससे कभी बोर नहीं हो सकती। एंड नोबडी कैन गेट बोर फ्रॉम दिस थिंग। आप देख ही लेना। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरी सिंपल ब्लैक टी शर्ट है जो मैंने मिंत्रा से ली थी काफ़ी टाइम पहले। मसन हार्बर की है, S साइज़ में मेरा। ओके, इसके हाथों में इलास्टिक है। काफ़ी क्यूट सा लुक आता है इससे, एकदम ही मतलब मेरा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं है इसकी तरह, पर परफेक्ट साइज़ है। और आप देख सकते हैं ना, गला काफ़ी अच्छा बड़ा है। मेरे पास काफ़ी सारे टी शर्ट्स हैं जिनका गला छोटा है, तो उनको ना पहनने में मुझे मौत से आ जाती है, ऐसे चिपचिप वाले मौसम में। स्पेशली गर्मियों में तो मैं फिर भी पहन लेती हूँ, पर चिपचिप में नहीं पहन पाते हैं। इसको मैंने बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ऐसे कोई ब्लैक कलर से ऑब्सेस्ड नहीं रहती हूँ, पर ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पहन लिया, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। ओके, मेरे पास 2 चीज़ें और हैं आपको दिखाने के लिए जिनके बिना मैं सच में नहीं रह सकती हूँ। अब मैंने ख़रीद लिया है, तो आई रियली कांट लिव विदाउट दिस। माई ब्यूटीफुल गेस्ट का बैग। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इतने रुपए खर्चे हैं, तो मैं इसे हर जगह यूज़ करूँगी, चाहे वो कुछ भी हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, मतलब सब जगह। आप समझ सकते हैं, लिटरली हर जगह मैं इसे कैरी करती हूँ। तो इसे मैंने ऑलमोस्ट हर दिन कैरी किया है जब भी मैं बाहर गई हूँ। और मैं हफ्ते में 4 दिन तो बाहर जाती ही हूँ, पता नहीं क्यों, कि घर के सारे काम ही मेरे को ही करने होते हैं। मेरी सिस्टर तो बस पढ़ती रहती है। तो यस, काफ़ी अच्छा है। आपने पहले भी आई थिंक देख रखा होगा, या इस तरीके का ये कुछ है। आई लव दिस एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। ओके, मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं मेरा बैग और मेरा हील मैच कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास फुटवेयर ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है सब ऐसा करें। ओके, वरना आपको अपना टॉप और हील्स वगैरह मैच करने चाहिए, लाइक आपका टॉप टियर और आपके जो भी शूज़ हैं, चाहे वो हील्स हों कुछ भी हो, वैसे शूज़ मतलब वही होता है, खैर, तो वो आपको मैच करना चाहिए, मतलब ऐसे सैंडविच टाइप लुक लेना चाहिए। तो उससे ज़्यादा अपन क्लासी और स्टाइलिश लगते हैं। तो मैंने इसके साथ मेरी ये वाली हील्स बहुत ही ज़्यादा पहनी है। तो ये मेट्रो की हैं और ये मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे ना ये जो लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चमकती है जब। तो सिंपल सी हील्स हैं ये। ओके, डार्क ब्राउन और ब्राउन हेजलनट वाले कलर में हैं। काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। एवरीडे वियर काइंड ऑफ है। मैं ऐसी प्लेटफॉर्म हील्स इसीलिए लेती हूँ, ठीक है ना, 1-1.5 इंच की, क्योंकि मेरे को आदत है और मैं बहुत ईजिली इनमें दौड़ भी सकती हूँ। तो मैंने इसे बहुत पहना है, क्योंकि मैंने यही बैग कैरी किया है, तो मैं हमेशा इसी हील को पहनती थी। मेरे पास एक और है मेट्रो की, पर थोड़ा सा पेंसिल भी नहीं है उसकी हिल पर फिर भी थोड़ा पतली है, मैं वो नहीं पहन पाती, पर इनको मैंने बहुत पहना है एंड दे आर सुपर डुपर कंफर्टेबल। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, तो दिखाने वाली चीज़ों में लास्ट मेरे पास एक और चीज़ है, टा दिस वेरी ब्यूटीफुल वॉच, ये आप पहले देख चुके हैं, बट आई रियली कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट दिस। इससे इतना ज़्यादा हैसल फ्री हो गई है मेरी लाइफ, मतलब मैं स्कूटी चला रही हूँ, मैं मतलब कुछ मतलब इसमें फ़ोन आ जाता है, मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, मुझे पता लग जाता है किसका फ़ोन आ रहा है, मुझे पता लग जाता है किसका मैसेज आया है, टेक्स्ट आया है, और अर्जेंट कॉल है नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद करी है इस वॉच ने और मैं इसको हमेशा पहनती हूँ। आजकल तो मैं वीडियोज़ में भी यही डाल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई हूँ मैं इसके साथ, और हर चीज़ में ज़्यादा चली भी जाती है। स्मार्ट वॉच पहनी पे बहुत ज़्यादा क्लासी लगती हैं क्योंकि अभी ये चल रही हैं, और आगे जाके सब कुछ डिजिटली होता जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट हो जाएगा। सो या गाइस, बढ़ते हैं अपने चटपटे सेशन की तरफ। ओके, सो आई डोंट नो किसी को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा या नहीं मेरी मंथली फेवरेट चीज़ें देखने में, पर तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको बताते टाइम कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मैं क्या चीज़ कितना इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये सब कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली बता रही हूँ और फ्रेंकली बता रही हूँ। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रिसेंटली अभी क्या देख रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली फिनिश किया टेक्सटिंग विथ यू, मैं नेटफ्लिक्स पर देखती थी, कोरियन ड्रामा है, और अब मैं देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्ग नाम सून, आई थिंक यार नामसून नाम है उसका, काफ़ी अच्छा सीरियल है। स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्गसून था ना पहले, उसके जैसा ही है पर काफ़ी अलग स्टोरी टेलिंग है, पर इसमें भी इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। तो या काफ़ी अच्छा है, नेटफ्लिक्स पे हर सैटरडे संडे इसका एपिसोड आता है। अभी तो मैंने 2 ही देखे हैं, अभी और आएंगे धीरे धीरे और मैं देखूँगी। मेरे पेपर भी पास आ रहे हैं तो मैं कम ही देख पाती हूँ, पर या मैं नेटफ्लिक्स कि इन सीरीज़ से ना इस टाइम थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ और ये मेरी इस टाइम की फेवरेट हैं। यस 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 यस। और पिछले कुछ टाइम से क्या बहुत सारे महीनों से, लाइक 5-7 महीने हो गए हैं, मैं प्लाजा जाती हूँ और वहाँ पे एक भैया की शॉप है, उससे मैं चिली पनीर खाती हूँ। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर को ज़्यादा पसंद नहीं आता उनका, और पता नहीं ऐसा होता भी है, जब भी मैं इसके लिए लेकर आती हूँ ना वहाँ से बनवा के तो वो थोड़ा बिगाड़ देते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और वर्जिन मोहितो में बहुत मतलब बस मुझे वो मिल जाए, और वो सिर्फ और ये दोनों चीज़ आ जाती हैं 150 रुपये में, 160 रुपये में, बस इतना ही खर्चा होता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब खा के, बहुत हैप्पी फीलिंग भी आती है मुझे जब मेरा पेट भरा होता है। So yeah guys, that is it for today's video. These are the things that I really can't live without. और ये मेरे अक्टूबर और अक्टूबर मंथली फेवरेट्स भी थे। मैंने इन चीज़ों को बहुत यूज़ किया है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इन केस यू वांट टू बाय देम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू ऑल सो मच। करेंगे बाय।